आज 3 ऐसे बिल लोकसभा में पेश किए जो कई कानूनों की नई परिभाषा तय कर सकते हैं। इन बिलों को पेश करने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश करते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगी। गृह मंत्री ने विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में ये बिल जब कानून बन जाएंगे तो भारतीय न्याय संहिता में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने मॉब लिंचिंग से लेकर भगोड़े अपराधियों को लेकर कानूनों में कई सारे बदलाव का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का फैसला किया गया है। लोकसभा में बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि साल 1860 से 2023 तक की देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों की तरफ से बनाए गए कानूनों के हिसाब से काम करती थी। इन 3 कानूनों के साथ देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आएगा। गृह मंत्री ने कहा, इन विधेयक का उद्देश्य अदालतों में दोषी सिद्ध की दर को 90% से ऊपर लेकर जाना है। इसलिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आए हैं जो 7 साल या उससे ज्यादा जेल की सजा का प्रावधान करती है। उन सभी के तहत मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कानून में सबसे पहला अध्याय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित होगा और दूसरे अध्याय में पुरुष हत्या के अपराध से जुड़े प्रावधान होंगे। विधेयक में प्रमुख रूप से मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक नया दंड संहिता, नाबालिगों से दुष्कर्म के लिए मौत का प्रावधान और सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी शामिल है। अलगाववाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे अपराधों पर अलग अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं फरार अपराधियों पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का भी प्रावधान लगाया गया है। आपको बता दें, राजद्रोह का अपराध भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 124A के तहत कवर किया गया है। साथ ही अब सभी अदालतों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। प्राथमिकी से लेकर निर्णय लेने तक की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाएगा। अदालतों की पूरी कार्रवाई तकनीक के माध्यम से होगी और अपराधियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। साथ ही अब राजनीतिक पहुंच वाले लोगों को भी किसी तरह छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।